हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम बुक पढ़ रहे हैं, है ना। हमारी बुक का नाम क्या है? संचयन। क्या बुक का नाम है हमारे? संचयन। उसमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है, जो पहला पार्ट है, वो है हरिहर काका। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, है ना। तो हरिहर काका जो पार्ट का नाम है, और उसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, जो बिहार के रहने वाले थे। भोजपुर, बिहार में भोजपुर शहर है, वहाँ के ग्रामीण विभाग से वो रहते हैं। और वैसाडीह गांव का नाम, उनके गांव का नाम है वैसाडीह गांव, है ना। वो वहाँ के रहने वाले थे, और 31 दिसंबर 1950 को मिथिलेश्वर जो लेखक हैं उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने इस हरिहर काका के बारे में जो लिखा, उनका प्रत्यक्षित, मतलब उन्होंने प्रत्यक्षित उनके साथ में अपना समय बिताया, तो सारा पाठ उन्होंने हरिहर काका के ऊपर ही लिखा, है ना। और ये जो लेखक थे, ये अपने ग्रामीण विभाग में ही मतलब रहते थे। जो गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसे गांव में बहुत अच्छा लगता है। शहर में आने के बाद वो अपना समय गांव में ही बिताना चाहते हैं। तो मिथिलेश्वर भी ऐसे ही थे। वो जब भी अपने गांव जाते तो वहां पे वो उन्होंने मतलब अपने जो पुराने लोग हैं, तो उसमें से एक हरिहर काका, जो जिनकी वो इज्जत करते थे, जो वहाँ के जो जाने माने लोग थे और बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनकी वो बहुत इज्जत करते थे, और वो हमेशा वहाँ जाया करते थे। और जाकर के वो हरिहर काका का हमेशा हाल पूछा करते थे। तो हरिहर काका का काका के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि हरिहर काका जो थे, वो मतलब एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वहाँ के वृद्ध व्यक्ति थे, और वो ऐसे निसंतान व्यक्ति थे, मतलब उनको कोई संतान नहीं थी। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका परिवार बहुत बड़ा था। वो चार पांच भाई का उनका परिवार था, और वे वहाँ पे रहते थे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि आपकी भावना, मतलब हम घर के प्रति, घर हम वहाँ वो जानते हैं, घर हम उसको कहते हैं जहाँ पे सुख दुख में और आपदा विपदा में और अपनी हारी बीमारी में जो लोग साथ रहते हैं, जो घर परिवार के लोग सहायता करते हैं, वो उसको हम घर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मिथिलेश्वर जी का कहना यही है कि वो जो घर होता है, घर हम उसी को कहते हैं जहाँ पे सुख दुख में लोग साथ रहते हैं। और यदि यदि हम जाने कि धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहदाता को, सहयोग की भावना को अपनों से कहीं आगे हम मानते हैं, है ना। कि भाई उसकी जगह हम घर एक मंदिर क्यों कहते हैं, कि घर एक मंदिर होता है। भाई मंदिर भी इसलिए होता है ताकि वहाँ के लोग जो होते हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं। एक परिवार मिलजुल कर रहता है तो वो एक आदर्श परिवार कहलाता है, है ना। तो ये कहानी यहाँ पर हमने, मतलब मिथिलेश्वर ने यहाँ बताई है, और हम उसको पढ़ेंगे, है ना। तो आपके पास, सबके पास बुक है, और उसको बुक को आप ध्यान में रख के इसको पढ़ना ही है आपको बेटा, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप बुक लेके बैठेंगे साथ में और पढ़ते जाएंगे। मैं आपको बताते जाती हूँ, जैसा हम करते हैं वैसे ही हम हमेशा इस पार्ट को, मैं इस संचयन बुक आपकी जो है उस बुक से पढ़ रही हूँ, है ना। तो आप भी विशेष रूप से ध्यान दें। और यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पढ़ते जाती हूँ और उसको फिर समझाते चली जाती हूँ, है ना। लेसन काफी बड़ा है हमारा, बड़ा पार्ट है, उसको हम ध्यान से सुने और ध्यान से फिर हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो देंगे, आपको होमवर्क भी देंगे और उसको करना भी होगा। और ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे, इस पीरियड में आप ध्यान दें कि हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हरिहर काका, जो मिथिलेश्वर, जिसके लेखक मिथिलेश्वर हैं, है ना। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आपको ध्यान देना है कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज। हरिहर काका से जब मिलने गए, जब शहर से मिथिलेश्वर लेखक जब आए, तो लेखक अपने आप से बोल रहे हैं कि जब मैं हरिहर काका से लौट कर मैं अभी अभी लौटा हूँ, और कल भी उनके यहाँ गया था, तो लेकिन न तो कल वो कुछ कह सके और ना आज ही कह सके। मैं दोनों दिन गया लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बीमार थे, अब है ना। आगे हम पढ़ते जाएंगे, वो बताते जाएंगे कि दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की।
अब काफी देर तक के लेखक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर मुझे एक बार देखा। तो हरियर काका से जब मैंने तबीयत के बारे में पूछा, तो उन्होंने सिर्फ सिर उठाया और एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा, उन्होंने देखा ही नहीं। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई थी। लेखक थे वो जान गए इस बात को कि उनकी एक ही नजर जो थी, वो उनकी नजर से समझ गए कि इन्हें काका को, मतलब हरियर काका को क्या तकलीफ है। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है ना, और मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आंखों से ही समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। या देखिए, सब चीज हमारी आंखें ही हमको दर्शाती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी आंखों ने मुझे जब एक बार देखा, सिर्फ एक बार सिर उठाकर उन्होंने मेरी ओर देखा, तो उनकी आंखों से मैं समझ गया कि इन्हें क्या यंत्रणाएं, क्या तकलीफ हो रही है ना। बीमार तो थे ही हरियर काका। हरियर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। लेखक कह रहे हैं, मैं उनकी जिंदगी से बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरियर काका एक है ना। जिन जिन लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं वहां के, उनको जिनको मैं सम्मान देता हूँ, उनमें से हरियर काका एक है। हरियर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। व्यवहारिक और वैचारिक कारण, जिनसे देखिए हमारी मैत्री उसी से होती है जिससे हमारे विचार मिलते हैं, है ना। चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, जहां पर हमारे विचार हम बोलते हैं ना, भाषा में हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि आदान प्रदान जब हमारे विचारों का होता है और उससे हम सहमत जब होते हैं, तभी हमारी मैत्री होती है। जब भी हमारी दोस्ती होती है, हम उसी समय उसको अपना दोस्त मान लेते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे विचारों को समझ रहा है और हम उसके विचारों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हरिहर काका बुजुर्ग जरूर थे, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी उनकी वैचारिक जो मैत्री थी, वो उसके कारण मैं उनसे उन्हें ज्यादा जानता हूँ, है ना। उनके अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो है। अब दो कारण कौन से बताए हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। एक तो यह है कि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरियर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। देखिए, हर व्यक्ति अपने बचपन को कभी नहीं भूलता है। आप भी बड़े होंगे, आप भी जानेंगे, आप भी अभी भी जानते हैं, आप 10th में हैं, लेकिन फर्स्ट की बात आप भी आज भी आपको याद रहती है रहती है ना। तो बचपन हमारा कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो बचपन वो हमेशा हमें याद रहता है। हम बचपने में हमने क्या किया था, या बचपने में हमें कौन प्यार करता था, दुलार करता था, किसको हम बहुत ज्यादा चाहते थे, ये सारी बातें हमारे जहन में रहती है। जब भी जब तक हम बड़े होते हैं, जब तक हमारी उम्र रहती है, तब तक हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं। और इसी यही कारण बताया गया है कि हरियर काका के बारे में जब लेखक बता रहे हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि मेरे एक तो वो सबसे पहले दो बातें थी। सबसे पहले वो मेरे पड़ोस में रहते थे, मेरे पड़ोसी थे। दूसरा, वो मुझे बहुत ज्यादा दुलार करते थे, है ना। तो व्यक्ति उसी के पास जाता जहाँ उसे प्रेम मिलता है, आ जाता उसी के पास, है ना भाई, जहाँ उसे प्रेम मिलता है। व्यवहारिकता की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जहाँ भी प्रेम है, वहाँ जहाँ पे प्रेम संबंध है, जहाँ आपके व्यवहार है, जहाँ आपके विचारों का मेल है, वही व्यक्ति जाता है। तो हरिहर काका के पास लेखक इसी इसी तरह जाते थे, है ना। कि उम्र में जब हरिहर काका ने जैसे ही मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, मतलब इतनी उम्र तक, मतलब कि लेखक जाते थे और उनकी उम्र बढ़ती चली, इतने बुजुर्ग थे, लेकिन मैत्री का भाव जहाँ जहाँ आ जाता है, तो वो तो हम ये समझते हैं कि हमारे साथ वाले होना चाहिए। लेकिन साथ वालों से ऐसा नहीं, हमारे वैचारिक संबंध जब उनसे बनते हैं, तो ऐटोमेटिक दोस्ती हो जाती है ना। तो माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे भाई, दोस्त दोस्त को बताते ही। तो वो इतने उम्र होने के बावजूद, जबकि उनकी बेटे की उम्र के थे, हरियर काका तो इतने बुजुर्ग थे, लेकिन वो सारी बातें वो लेखक से शेयर शेयर करते थे, है ना। तो खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। अभी अभी स्थिति ऐसी हो गई है, वो बताते हैं लेखक, कि मैं अभी अभी गया हूँ, और लेकिन उन्होंने मुझसे भी कहना बंद कर दिया। जो उनके विचार थे, जो वो मुझसे शेयर करते थे, उन्होंने वो सारा कुछ बंद कर दिया। उनकी इस स्थिति से मुझे चिंतित उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया।
जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसा हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त कर ही क्या सकती है, बताइए। ये बात सच है, देखिए बीच सागर में यदि नाव चल रही है या जहाज चल रहा है, यदि कुछ ऐसी विपदा आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वहां की चिल्लाहट क्या शहर के लोगों को सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं। या किनारे पे जो लोग खड़े हैं उनको सुनाई देगी? नहीं, क्योंकि लहरें इतनी ज्यादा हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हरिहर काका के साथ में जो भी बीत रहा है वो ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं कि वो न तो कुछ कह पा रहे हैं न कुछ अपनी स्थिति बता पा रहे हैं, है ना। अब मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब मौन के अलावा, मतलब चुप, मौन मतलब चुप रहना, अब चुप के अलावा उनके पास कोई विकल्प था ही नहीं, कोई और कारण था ही नहीं। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं था। लेखक कहते हैं, मेरा मन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि हरिहर काका जो मुझसे हर चीज बताने वाले व्यक्ति आज चुप क्यों हैं। वो इस तरह से मतलब अपनी बात को मुझसे शेयर किया करते थे, और आज ये स्थिति है कि वो बिल्कुल चुप है, मुझसे भी कुछ बात बता नहीं रहे हैं। तो लेखक थोड़े से विचलित हो जाते हैं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। अब वो ऐसी स्थिति आ गई थी पारिवारिक इससे कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो वहां पे कुछ कह नहीं पा रहे थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। वो स्थिति ऐसी स्थिति ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो कहें तो क्या कहें और किससे कहें, और यदि मुझसे भी कहना चाहते हैं तो वो कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति उनके पास आ गई है। अब कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरियर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता, क्योंकि वो स्थिति वो लेखक देखते आ रहे हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आज की स्थिति को देखते हुए हरिहर काका के साथ जो बीत रहा है वो देखकर भी वे चुप हैं, वे मौन हैं, वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और स्थिति ऐसी हो गई कि कहे या ना कहे बीच में फंसे हुए हैं। हरिहर काका की इस स्थिति से कैसे स्थिति स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। ठाकुर बाड़ी वहाँ पे बहुत फेमस लोग थे, ठाकुर बाड़ी में रहते थे और वो ठाकुर बाड़ी के नाम से जाने जाते थे। और वहाँ जब तक वो ठाकुर बाड़ी का नाम नहीं आएगा इस पाठ में, तब तक इस कहानी इस ये कहानी बोले जब तक अधूरी है। लेखक कहते हैं कि जब तक ये कहानी मैं ठाकुर बाड़ी का नाम न लेता हूँ और उनके बारे में ना बताता हूँ तो ये पाठ अधूरा सा रह जाएगा, है ना। तो इसके इसमें वो ठाकुर बाड़ी का नाम जरूर आता है। तो आगे की ओर देखेंगे हम कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है ना। मेरा गांव मतलब कस्बाई, जो कस्बाई क्या था वहां पे, हमने भोजपुर बताया था, भोजपुर में बरसाडी नाम पे जो ग्रामीण भाग था वहां पे वो रहते थे। तो कस्बाई एक शहर, वहीं पे कस्बा था, कस्बाई शहर आरा आरा नाम का जो था, से 40 किलोमीटर की दूरी पर है हसन बाजार बस स्टैंड के पास में। वहां पे हसन बाजार है, बाजार का जो नाम है हसन बाजार है, और वहाँ पे पास में ही बस स्टैंड है। वहाँ बस स्टैंड के पास में ही गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, ज़्यादा मतलब वहाँ की जो लोक संख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो 2500 से 3000 के बीच में लोग वहाँ पे रहा करते थे। गांव में तीन प्रमुख स्थान थे वहाँ, वो गांव का यानी जो गांव जिस नाम से जाना जाता था वहाँ पे वो जो तीन प्रमुख स्थान थे, वो गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, एक तो बड़ा तालाब था वो भी पश्चिम किनारे पर था, और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष यानी बरगद का पेड़ जहाँ पे लोग जमा होकर बैठा करते थे, और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। भगवान ठाकुर जी किसे कहते हैं, भगवान चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे विष्णु हो,
उनको ठाकुर कहा जाता है ना, ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। अब वहां के ठाकुर बाड़ी किसे कहा, मंदिर की जगह को, वो वहां पे काफी परिसर बड़ा था, लोग भी वहां रहते थे है ना, तो वो ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता था। अब ठाकुर बाड़ी में भगवान, ठाकुर बाड़ी इसलिए कहा जाता है, ठाकुर भगवान को कहते हैं इसलिए ठाकुर बाड़ी उसे कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पाठ देखा, और भी हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं है ना। तो यहाँ तक मैंने पेज नंबर आपको 2 तक पढ़ाया है, और अब आगे पार्ट बहुत बड़े हैं और हम पढ़ते जाएंगे, उसे आप ध्यान देंगे है ना। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। अब उस समय तो जो लेखक है वो भी नहीं हुए थे, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ था, तो वो ये जानते नहीं है कि कब की वो ठाकुर बाड़ी बनी है। मतलब जो मंदिर है, जो मंदिर स्थान है, मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो परिसर है, जो लोग रहते हैं वहां पे, वो कब का बना हुआ है, बहुत काफी पुराना है ना। तो इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, जिस समय ये गांव बसने जा रहा था, पूरी तरह से बसा भी नहीं था, कुछ कुछ लोग, एक दो लोग जो है वो आके यहाँ रहने लगे थे, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। सबसे पहले तो वो जो ठाकुर बाड़ी जानी जाती है उसमें वो संत एक संत आए थे, वो सबसे पहले आए और वो यहाँ पर आके रहने लगे, और वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। अब मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, तो वो वहाँ पे हमेशा पूजा करते थे। संत आके रहने लगे और वहाँ पे वो उनकी, ठाकुर जी की यानी भगवान की पूजा करने लगे, लोगों से मांग कर खा लेते थे। पहले तो संत ऐसे थे जो भिक्षा दे दिया वो उन्होंने बनाया और खा लिया, तो वो भिक्षा पे ही जीते थे है ना, जो संत थे वो भिक्षा पे ही जीते थे। लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, लोगों को ये ज्ञान देते थे कि भाई पूजा करनी चाहिए, ठाकुर भगवान की पूजा ऐसी, यानी सारी चीज वो इस चीज का नॉलेज देते थे कि पूजा हमें कैसे करना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए, क्यों पूजना चाहिए, ये सारी बातें वो उनके पास, संत के पास थी। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। पहले तो ठाकुर जी का, भगवान का छोटा सा मंदिर था, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे जब जब जमा होने लगे गांव में, तो लोगों ने चंदा किया, पैसे जमा किए और वहां पे छोटा सा मंदिर पहले बनवा दिया। अब जब फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार हो गया। विस्तार यानी धीरे धीरे अब ठाकुर बाड़ी कैसे बनी, इसी तरह से बनी कि लोग जमा होते गए, पैसे जमा होते गए और उसे धीरे धीरे बढ़ाया गया है ना। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो और लड़के को नौकरी मिल जाए, ये सारी मन्नतें जो थी वो भगवान के पास में, जो ठाकुर बाड़ी का जो मंदिर था ठाकुर जी का, उसमें जाके लोग मन्नतें मानते थे। पहले तो लोग एकदम गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, वो तो पुराने उस जमाने की बात है कि बेचारे वो उस समय क्या करें, तो भगवान भगवान ही सहारा है, और वो भगवान के ही माध्यम से अपनी अपनी जो मन्नतें थी, जो अपनी जी मनोकामना थी, वो उनके सामने कहा करते थे। आज भी देखिए, आज भी लोग अपने भगवान के मंदिर जाते हैं, जो भी अपना कार्य पूरा हो जाता है उस पे भगवान को जाके प्रसाद मिठाई का चढ़ा देते हैं। आज भी है, आज भी हम इस चीज को मानते हैं और ईश्वर को आज भी हम जानते हैं ना, मानते हैं। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते, मतलब जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती, मन्नतें पूरी हो जाती, वो जाकर ठाकुर जी को कोई जेवर चढ़ा देता, कोई अनाज चढ़ा देता, कोई पैसे चढ़ा देता। इस तरह से अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते हैं। जो जमींदार होते हैं वहां के, जो होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं शहर के, वो ग्रामीण भाग में भी बस जाते हैं, तो वो जाके अपने नाम से उस गांव में एक खेत का टुकड़ा, मतलब जो खेत की जमीन होती है, उसको भगवान के नाम से लिखवा देते या कर देते। यह परंपरा आज तक जारी है, यह परंपरा हम बताते हैं ना, कोई दान देने के लिए बोलता है तो आज भी लोग इस चीज को करते हैं, तो वो आज भी जारी है। ठीक है, अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है, भगवान की कृपा है, हमारे यहाँ ठाकुर बाड़ी है, भगवान ये हमारे साक्षात हैं, वही हमें यहाँ पे सफलता देते हैं। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते,
लड़की की शादी इसलिए तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनोती मनाई गई थी और लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास हजार गुना अधिक हुआ। इसी के चलते लोग ठाकुर बाड़ी में चढ़ावा चढ़ाते थे, मन्नतें मांगते थे, जो जो मांगते थे वो सारी चीज वहां जाके दे दी जाती थी। अब जमीन जायदाद जमीन भी दे दी गई तो फिर वो तो जगह बढ़ेगी ना और ठाकुर बाड़ी तो बढ़ेगी। अब तो यह गाँव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। इतना बड़ा ये गांव में ग्रामीण भाग में मेरे ठाकुरबाड़ी को इतना बढ़ावा दे दिया गया कि यहाँ के जैसी दूसरे गांव में जो मंदिर हैं जो ठाकुरबाड़ी है वो इतनी बड़ी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक पेज नंबर 2 तक हमने आपको पढ़ाया है, इसके आगे का हम पढ़ाते जाएंगे। आप विशेष रूप से अपने पास बुक लेकर बैठे बेटा और हमें करना ही है ना। तो सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्लास 10th आपको देखना ही है और इसके बाद जो भी हम PDF भेजें या कुछ भी भेजें क्वेश्चन आंसर आपको जिस रूप में वो हम भेजेंगे ही, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ठीक है। इसके बाद वाला हम आपको आगे बढ़ेंगे।